एक युवा परिव्राजक एक भिक्षु गांव से निकल रहा है। बड़ी अद्भुत शांति और गौरव है उसकी चाल में। उसका रूप भी एकदम निखर कर बाहर आ रहा है। वहीं एक नगर वधू अपने छज्जे पर खड़े उसे देख रही है। उसे देखकर वो उस पर मोहित हो गई। उसने नीचे उतरकर उस भिक्षु को कहा कि भिक्षु आओ, ये पहला मौका है जब मैं किसी को निमंत्रण दे रही हूँ। अब तक लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया है और मेरे द्वार पर दस्तक दी है, सभी के लिए मेरे द्वार खुलते भी नहीं है। साम्राज्ञी थी वो एक अर्थ में, सारा नगर उसके लिए दीवाना था। वो नगर वधू थी, सुंदरतम थी, सभी सम्राट भी उससे मिल पाए ये आवश्यक नहीं था। हजारों उसके चाहने वाले थे, उसके पास हमेशा मिलने वालों का तांता लगा रहता था। लेकिन भिक्षु निमंत्रण को टाल गया। उसने कहा कि अभी नहीं, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं आऊंगा, अभी आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और उस स्त्री ने कहा कि जरूरत, मुझे कैसी जरूरत, मैं तुम्हें प्रेम का निमंत्रण दे रही हूँ। मेरे निमंत्रण की प्रतीक्षा बड़े से बड़े सम्राट करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें निमंत्रित कर रही हूँ। उस भिक्षु ने कहा, निमंत्रण मैंने सुन लिया है और स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन अभी उनको आने दो जो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं। कल शायद ऐसा क्षण भी आ जाएगा, ना मित्र मिलेगा ना प्रेमी, तब मेरी जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा, मैं तब तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। ये बात आई गई हो गई। इस बीच कई बरस बीत गए। गुजरते समय के साथ भिक्षु की स्मृति उसकी चेतना से विलुप्त होती चली गई। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि वेश्या दुखी और पीड़ित हो गई। फिर कुछ और वर्ष बीत गए। फिर जो होना था, जो होता आया है, वो हुआ। वो वेश्या कोढ़ग्रस्त हो गई। गांव वालों ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया। उसका शरीर गलने लगा, उसके शरीर के अंग सड़ने लगे। कोई उसके पास से भी नहीं गुजरता था। वो जहां थी उस रास्ते को भी लोगों ने बंद कर दिया। वहां से कोई नहीं निकलता इस डर से कि वो किसी को पुकार न ले, क्योंकि ये वे ही लोग थे जिन्होंने कभी उसके द्वार पर दस्तक दी थी। ये वही लोग थे जो कुछ बरस पहले तक इसके घर के निमंत्रण को तरसते थे, लेकिन अब कोई उसे पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा था। आधी रात, वो अमावस की रात है और वो तड़प रही है, उसे तेज प्यास लगी है, कोई पानी देने वाला भी नहीं है। और तभी उसे अपने सर पर एक स्नेहपूर्ण स्पर्श महसूस हुआ। एक हाथ उसके माथे पर पहुंच गया। कोई अजनबी पानी उसके मुंह में डालने लगा। पानी पीकर तृप्त होकर उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं वही भिक्षु हूँ जो कई वर्ष पहले तुम्हारे द्वार से गुजरा था। एक मैत्री तुमने जानी थी, एक मैत्री मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, मैं जरूर आऊंगा। ये सुनते ही वो वेश्या फूट फूट कर रोने लगी। फिर उस वेश्या ने कहा, अब तुम व्यर्थ ही आए, अब तो मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। उस भिक्षु ने कहा, उसके सर को अपनी गोद में लेकर कहा, जो मैत्री लेने को आती है वो मैत्री है ही नहीं, मैं कुछ लेने को नहीं आया हूँ। ये कहकर उसने थोड़ा और पानी उसके मुंह में डाला। वो पानी पीकर वैश्या ने एक अलग ही संतोष के साथ अपनी आखिरी सांस ली। संत के भिक्षु के एक क्षण के सत्संग से उसके जीवन के आखिरी क्षण संतोषप्रद हो गए। अगली कहानी। एक युवा खोजी बुद्ध के पास पहुंचा और उसने जीवन भर में बहुत से प्रश्न खोजे थे जिनके उत्तर नहीं थे। उसने जाकर वे प्रश्न बुद्ध के सामने रखे और कहा, मैं आपसे इनके उत्तर चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या पहले भी और किसी से ये प्रश्न पूछे हैं? उस युवक ने कहा, बहुतों से पूछे हैं, 30 वर्ष इसी में श्रम किया है,
अब तक आधी जिंदगी इसी में गवाई है। तो बुद्ध ने कहा, तुमने इतनों से प्रश्न पूछे, कोई उत्तर मिला या नहीं? जिनसे पूछा था, उन्होंने उत्तर दिए या नहीं? उस खोजी ने कहा, सब ने उत्तर दिए। बुद्ध ने कहा, उन्होंने उत्तर दिए, पर तुझे उत्तर मिला या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उत्तर मिल जाता तो मैं फिर आपसे पूछने नहीं आता, मुझे उत्तर नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, इतने लोगों से पूछने के बाद तुझे उत्तर नहीं मिला, फिर भी तू पूछे चला जा रहा है, तुझे ये ख्याल नहीं आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूछते पूछते उत्तर मिलेगा ही नहीं? मैं भी तुझे उत्तर दूंगा, उससे भी तुझे उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक उत्तर देने से उत्तर मिला ही नहीं है। तब उस आदमी ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? तो बुद्ध ने कहा, तो एक वर्ष तक यहाँ रुक जा और इतना शांत हो कि प्रश्न ही गिर जाएं, और फिर वर्ष भर के बाद जब तेरा चित्त पूर्ण शांत हो, अगर तूने पूछा तो मैं उत्तर दूंगा और तुझे उत्तर मिल जाएगा। एक भिक्षु वृक्ष के नीचे बैठे ये संवाद सुन रहा था। वो जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। उस नए आए आगंतुक ने उससे पूछा, आप हंसते क्यों हैं? उस भिक्षु ने कहा, धोखे में मत पड़ जाना, मैं भी कुछ वर्ष पहले बुद्ध के पास इसी तरह कुछ पूछने आया था। उन्होंने मुझसे कहा, एक वर्ष रुक जाओ और चुप हो जाओ, और फिर पूछना, फिर मैं उत्तर दूंगा। ये बड़े ही धोखे की बात है, तो इस बात में पढ़ना मत, क्योंकि मैं जब चुप हो गया वर्ष पर बात, और ये मुझसे पूछने लगे कि कुछ पूछना है, तो मेरे पास पूछने को कुछ बचा ही नहीं था। मैं तुझसे कहता हूँ, अगर पूछना हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि वर्ष पर बात तेरे पास पूछने को कुछ बचेगा ही नहीं। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये सैकड़ों लोगों के साथ मैं रोज होते हुए देखता हूँ। वे आते हैं, पूछते हैं, बुद्ध कहते हैं, पहले चुप हो जाओ फिर पूछना, फिर मैं उत्तर दूंगा। वे चुप हो ही जाते हैं, वे फिर पूछते ही नहीं, और बुद्ध के उत्तर का पता ही नहीं चलता कि उत्तर आखिर क्या है। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, अगर वर्ष भर के बाद तूने पूछा तो मैं उत्तर दूंगा, अब तू ही पूछने से इनकार कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो आदमी वहां रुक गया। उस आदमी का नाम मौलुक पंत था। वर्ष भर के बाद ठीक वर्ष बीतने पर बुद्ध ने उससे कहा, मौलुक खड़े हो जाओ और पूछो। वो मौलुक पंत हंसने लगा और उसने कहा कि नहीं पूछना है। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्यों, तुम्हें कुछ क्यों नहीं पूछना है? उसने कहा, अब पूछने को कुछ बचा ही नहीं, मन इतना शांत हो गया है कि प्रश्न ही नहीं है, और अब मैं उत्तर के झंझट में पड़ने वाला नहीं हूँ। जब प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर की झंझट कौन लेता है? प्रश्न गिर जाते हैं एक दिन, और वहीं उत्तर स्वतः सामने आ जाते हैं। उत्तर मिलने से कभी भी उत्तर नहीं मिलता है। मन की शांत अवस्था, किसी बुद्ध पुरुष के सानिध्य में प्रश्न ही तिरोहित हो जाते हैं। ये दोनों ही कहानियां ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। ये कहानियां आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए हमेशा ही उत्साह को बढ़ाने वाले होते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।